दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है दोस्ती। एक समय की बात है, दो दोस्त जंगली इलाके से होते हुए शहर जा रहे थे। गर्मी का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण वो बीच बीच में रुक जाया करते थे। अपने साथ भी खाने पीने का सामान लिए हुए थे। उन्हें भूख लगी तो दोनों एक जगह बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात पर बहस छिड़ गई। बहस इतनी ज्यादा हो गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के थप्पड़ मार दिया, पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा, कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और मिट्टी पर लिख दिया, आज मुझे सबसे अच्छे दोस्त ने थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद दोनों ने पुनः यात्रा शुरू कर दी और मनमुटाव होने के कारण एक दूसरे से बिना बात किए हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी थप्पड़ मारने वाले दोस्त ने चीखने की आवाज सुनी। जिसने थप्पड़ खाया था वो गलती से किसी एक दलदल में फंस गया। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से बाहर निकाल लिया। इस बार भी उसने कुछ अलग ही किया। उसने एक नुकीला सा पत्थर उठाया और पेड़ के एक तने पर कुरेद कुरेद कर लिखने लगा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते हुए दूसरे मित्र से रहा नहीं गया। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पेड़ के तने को कुरेद कुरेद कर लिखा, ऐसा क्यों? मित्र बोला, जब कोई हमें तकलीफ दे तो उसे अंदर तक बिठाना नहीं चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह तकलीफ को भी हमारे जहन से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा काम करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वो हमारे जहन से कभी मिट ही नहीं पाए। दोस्त का प्यारा सा जवाब सुनकर दूसरा दोस्त गदगद हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने दोस्त को गले से लगा लिया और रोने लगा और कहने लगा, हम बचपन के वो लंगोटिया दोस्त नहीं हैं, हम तो जब के दोस्त हैं जब हम लंगोटी भी नहीं पहनते थे। दोस्ती वो है जो जीना सिखाती है, मरना नहीं। दोस्त मर सकता है लेकिन दोस्ती नहीं। जिसके पास दोस्त कम होते हैं ना, वो अमीर नहीं होता। जब दोस्त कमीने नहीं होते, वो कमीने दोस्त नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, बच्चों और परिजनों को शेयर करें और ज़रूर दिखाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू सो मच।